हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, हमेशा की तरह है आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि फाइनली बॉफिस को लेकर AEW कंपनी ने कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस वीक की AEW वीकली टॉप 5 रैंक की सामने आ चुकी है, जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के रैंपेज शो का प्रीव्यू। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायमंड शो के व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायमंड शो के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें होती हुई दिखाई दी है, जहां पर मैडम हैंगमैन पेज का रिटर्न भी देखने को मिला और एक नई चैंपियनशिप AEW कंपनी अंदर आती हुई दिखाई दी। लेकिन गाइज, इन सब चीजों के बाद अगर यहां पर हम बात करें इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के डायमंड शो के मुकाबले करीब करीब 8.5% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक डायमंड शो को व्यूअरशिप मिली थी 1.152 मिलियन व्यूअर्स, तो ही पर इस वीक के डायमंड शो को व्यूअरशिप मिली है 1.053 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW डायमंड शो के व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप है। और पता नहीं इस वीक AEW डायमंड शो की व्यूअरशिप इतनी कम कैसे हो गई, क्योंकि इस वीक का डायमंड शो तो एक स्पेशल डायमंड शो था, क्योंकि डायमंड शो की सेकंड एनिवर्सरी थी। और गाइस, हमें इस शो के ऊपर एडम हैंगमैन पेज का भी रिटर्न देखने को मिला है और डेनियल ब्रायन भी इस वीक के डायमंड शो के ऊपर एक्शन में थे, पर फिर भी पता नहीं इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप इतनी कम क्यों हो गई। लेकिन जहां तक बात है 18-49 डेमोग्राफिक की, तो गाइस इस वीक 18-49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के डायमंड शो के मुकाबले करीब करीब 17% कम हो चुकी है, जो देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। और जहां पर लास्ट वीक के डायमंड शो के 18-49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 588K व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायमंड शो के 18-49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 480K व्यूअर्स, जो देखा जाए तो बहुत कम है। और इसका असर हमें AEW वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी देखने को मिला है, क्योंकि इसके पहले जब लगातार 7 बार AEW का डायमंड शो वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता था, तो इस वीक AEW डायमंड शो वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आता है, जिससे हम कह सकते हैं कि AEW वेंसडे के ऊपर केबल टीवी पर नंबर 1 के ऊपर आने की स्ट्रीक ब्रेक हो चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि दोबारा से केबल टीवी पर नंबर 1 की पोजीशन पाने के लिए AEW क्या क्या करती है। पर इस वीक तो AEW डायमंड शो वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर नहीं आया, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही। तो गाइज, आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं और इसी के ऊपर AEW कंपनी के अंदर रैंकिंग्स निकलती है और इन्हीं रैंकिंग पर से AEW कंपनी का हर एक सुपरस्टार अपने डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है। और ऐसे ही हाल ही में AEW अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स रिवील कर दी है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें AEW के विमेंस डिवीजन से, तो गाइज AEW के विमेंस डिवीजन की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है थंडर रोजा, नंबर 4 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर, नंबर 3 पर आती है टाइकोंटी, नंबर 2 पर आती है हिकारू शिडा और नंबर 1 पर आती है जेट कारगिल। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं FTR, नंबर 3 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 2 पर आते हैं यंग बक्स और नंबर 1 पर आते हैं द क्लेम। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लुचा ब्रोस। लेकिन जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं क्रिशन केज, नंबर 4 पर आते हैं मीरो, नंबर 3 पर आते हैं लांस आर्चर, नंबर 2 पर आते हैं जॉन मॉक्सली और नंबर 1 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन सैमी गवेरा और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और यही है इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में बॉबी फिश को लेकर AEW ने कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज, मैंने आपको बहुत बार अपडेट्स वीडियो के अंदर बताया था कि बॉबी फिश इस वीक के डायमंड शो के ऊपर आने वाले हैं, पर शायद हमें बॉबी फिश आज के बाद भी AEW के डायमंड शो के ऊपर कम्पीट करते हुए दिखाई देने वाले हैं और शायद बॉबी फिश ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लेकिन गाइज, इन सब स्पेकुलेशन के बाद फाइनली इस वीक के डायमंड शो के ऊपर बॉबी फिश और सैमी गवेरा का TNT चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ, जो मैच सैमी गवेरा जीत चुके हैं। लेकिन जहां तक बात है बॉबी फिश की, तो गाइज ये मैच खत्म होने के बाद हाल ही में AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अनाउंस कर दिया है कि फाइनली AEW कंपनी ने बॉबी फिश को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है और बॉबी फिश AEW कंपनी के लिए काम करने वाले हैं, यानी कि बॉबी फिश ऑल एलीट हो चुके हैं। जो अनाउंसमेंट मुझे लगता है कि AEW आज नहीं तो कल करनी ही वाली थी और फाइनली AEW ने अनाउंस कर दिया है कि बॉबी फिश AEW कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। लेकिन गाइज, अब तक बॉबी फिश के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कौन से भी डिटेल सामने नहीं आए कि बॉबी फिश ने AEW कंपनी के साथ कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या फिर बॉबी फिश को AEW कंपनी के अंदर कितनी सैलरी मिल रही है। पर जैसे ही बॉबी फिश के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कौन से डिटेल सामने आते हैं, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पर हाल फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं कि बॉबी फिश ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और बॉबी फिश AEW कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी के अंदर बॉबी फिश का करियर कैसा होता है और क्या AEW कंपनी के अंदर बॉबी फिश साइन कर पाते हैं या नहीं, या फिर बॉबी फिश AEW कंपनी के अंदर नए नए रेसलर्स को मदद करते हैं या नहीं। पर बॉबी फिश के AEW कंपनी ज्वाइन करने से मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कल होने वाले AEW के रैंपेज शो की और जानते हैं कि कल होने वाले AEW के रैंपेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले रैंपेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज, कल का AEW के
रेगुलर शो एक रेगुलर रैंपे शो है और इस शो के लिए एबली ने बहुत सारी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है। और जो पहला मैच एबली ने रैंपे शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एबली के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच जहां पर जेड कारगिल स्काई ब्लू को फेस करने वाली है। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस बेसिकली इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, लेकिन इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने कहा था कि दोनों ही सुपरस्टार्स एबली कंपनी की फर्स्ट एवर टीबीएस चैंपियन बनने वाले हैं। तो यहां पर प्रोबेबली ये मैच एबली के टीबीएस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफायर मैच हो सकता है, लेकिन इसको लेकर एबली ने कुछ अनाउंसमेंट नहीं की। पर जहां तक बात है इस मैच की तो मुझे लगता है कि पॉसिबली ये मैच एक स्क्वैश मैच हो सकता है जहां पर हमें जेड कारगिल कुछ मिनटों के अंदर स्काई ब्लू को हराते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में जेड कारगिल के सभी मैचेस ऐसे ही हो रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जेड कारगिल इस मैच के अंदर काफी जल्दी स्काई ब्लू को हराने वाली है। लेकिन जो अगला मैच जो कि एबली स्वी के रैंपेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एबली के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एबली वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस लुचा ब्रोस और चैलेंजर्स द क्लेम के बीच में एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर द क्लेम ने लुचा ब्रोस को उनकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया था, क्योंकि द क्लेम एबली कंपनी के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर है और ये चैलेंज लुचा ब्रोस ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसलिए हम इस वीक रैंपेज शो के ऊपर एबली के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लुचा ब्रोस और द क्लेम का मैच देखने को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि ये मैच काफी बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि द क्लेम और लुचा ब्रोस ये दोनों ही काफी बढ़िया मैचेस दे सकते हैं। इसलिए मुझे देखना है कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो गाइस मुझे नहीं लगता कि लुचा ब्रोस इतनी जल्दी अपनी एबली वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप हारने वाले हैं। इसलिए मेरे हिसाब से लुचा ब्रोस ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि एबली स्वी के रैंपेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है एबली के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल वन ऑन वन मैच जहां पर सीएम पंक डेनियल ग्रासिया को फेस करने वाले हैं। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हमने देखा था कि सीएम पंक ने स्वी के डायमंड शो के ऊपर डेनियल ग्रासिया को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया था, क्योंकि जब सीएम पंक और आरबीएल की राइवलरी चल रही थी तब डेनियल ग्रासिया ने आकर सीएम पंक और आरबीएल के ऊपर अटैक किया था और पंक उस अटैक का बदला चाहते थे। इसलिए सीएम पंक ने स्वी के रैंपेज शो के ऊपर डेनियल ग्रासिया को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और ग्रासिया ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हम स्वी के रैंपेज शो के ऊपर सीएम पंक और डेनियल ग्रासिया का मैच देखने को मिलने वाला है, जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो मुझे लगता है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। और पता नहीं क्यों, लेकिन जब से डेनियल ग्रासिया एबली कंपनी के अंदर आए हैं तब से मैं डेनियल ग्रासिया का फैन हो चुका हूं और मुझे भी यहां पर देखना है कि डेनियल ग्रासिया और सीएम पंक का ये मैच कैसा होता है और हमें इस मैच के अंदर कितने बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पंक के साथ एक मैच देकर डेनियल ग्रासिया की लेवल काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो सीएम पंक ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रॉबली सीएम पंक एबली कंपनी के अंदर काफी देर तक अनडिफीटेड रहने वाले हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पंक ये मैच जीत जाएंगे। पर गाइस जो आखिरी मैच जो कि एबली स्वी के रैंपेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है जो कि प्रॉबली स्वी के रैंपेज शो का मेन इवेंट हो सकता है वो है एबली के मेंस डिवीजन से एबली के एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिकी स्टार्स और चैलेंजर ब्रायन केज के बीच में एक फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस हम देखते हुए आ रहे हैं कि जब रिकी स्टार्स और ब्रायन केज टीम टैज के अंदर थे तब से रिकी स्टार्स और ब्रायन केज के बीच में टेंशन बढ़ रहे हैं और ब्रायन केज रिकी स्टार्स की बात नहीं मान रहे थे, इसलिए टीम टैज ने ब्रायन केज को अपने ग्रुप से निकाल दिया है और रिकी स्टार्स ने भी चीटिंग से ब्रायन केज को हराकर ब्रायन केज की एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले ली है। इसलिए ब्रायन केज रिकी स्टार्स से अपना बदला चाहते थे और ब्रायन केज एबली डायमंड शो के ऊपर नहीं है। इस ओवर कॉन्फिडेंस में रिकी स्टार्स ने ब्रायन केज को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, पर सरप्राइजिंगली ब्रायन केज लास्ट वीक के डायमंड शो के ऊपर थे। इसलिए हमें फाइनली रिकी स्टार्स और ब्रायन केज के बीच में इस वीक के रैंपेज शो के ऊपर मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि एक फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट और एक स्ट्रीट फाइट मैच है। इसलिए ये मैच देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं और मुझे देखना है कि ये मैच कैसा मैच होता है और मैं होप कर रहा हूं कि ये मैच एक काफी बढ़िया मैच हो और हमें इस मैच के अंदर टीम टैज की इंटरफेरेंस ना देखने को मिले। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो गाइस माना कि आज तक ब्रायन केज रिकी स्टार्स से हारते हुए आ रहे हैं, पर फिर भी यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि रिकी स्टार्स को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि ब्रायन केज काफी बड़ी सुपरस्टार है। लेकिन एबली कंपनी अभी रिकी स्टार्स को बिल्ड कर रही है और अगर रिकी स्टार्स से मैच जीत जाते हैं तो फिर रिकी स्टार्स एबली कंपनी के अंदर अपने आप के लिए नाम बनाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रिकी स्टार्स से मैच जीतने वाले हैं और शायद इसके बाद ब्रायन केज अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। और माना कि इतनी मैचेस है जो कि एबली इस वीक के रैंपेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किए हैं। लेकिन गाइस इस सब के अलावा भी अगर इस वीक के रैंपेज शो के ऊपर कुछ होता है तो वो बात मैं आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैंपेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बता दूंगा। पर गाइस ऐसे ही एबली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एबली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?